तो सर आज ऐसा खबर मिला है कि जो लामडिंग एक बिंदु प्रेस में जो आपका 15 हटिकाले कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बीजेपी का एक कार्यकर्ता है उसने एक ऐसा सील बनाया जो कि मतलब आने वाला जो चुनाव में जो आप हमारे जो सील जो मारते हैं वैसा सील बनाया है, उसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे क्या हुआ था? बात ऐसा है, जो ऑपोजिशन लोग है, जो लोग ये एलिगेशन लगाया कि ये बैलेट पेपर गलत काम में इस्तेमाल होगा, जीतने के लिए ये इलीगल प्रोसेस करेगा, उस प्रकार का जो एलिगेशन लगाया वो सरासर झूठ है। और उन लोगों अनपढ़ है, कुछ मालूम नहीं उन लोगों को, उन लोग पढ़ा भी नहीं होगा, वो जो पेपर में जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ा होगा। तो इसमें सीधा सीधे लिखा है, दिस इज ओनली फॉर अवेयरनेस पर्पस, क्योंकि वोटर्स लोगों को थोड़ा एजुकेशन दिलाने के लिए, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक अजीब सा सिचुएशन खड़ा हुआ है। इसमें दो फूल है, ये अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, इसमें दो फूल है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो बिनोद ठाकमौसा है उसका भी फूल है, और मेरा जो बीजेपी का वो कमल फूल है। तो ये दोनों का बीच में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए वोटर को थोड़ा अवेयरनेस दिलाने के लिए ये पेपर बनाया है। इसमें लिखा है सैंपल, और इसके लेके कोई रिगिंग भी नहीं कर सकेगा, इसके लेके कोई इलीगल काम भी करने चाहिएगा। तो ये वोटर अवेयरनेस क्रिएट करने के, वोटर के बीच में मेरा पार्टी का बीजेपी का सपोर्टर का बीच में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, वो कमल फूल के जगह में दूसरा फूल में वोट ना दे, इसलिए इस प्रकार का एक प्रयास किया गया है। तो अभी मतलब जो ये बनाया गया जो सीन मतलब उसके लिए कोई ऐसा ऑर्डर वगैरह ऐसा तो कुछ का जरूरत तो नहीं है ये मतलब। तो अवेयरनेस क्रिएट है, इसमें इसको लेके थोड़ी कोई वोट डालने थोड़ी जाएगा, वो तो बुड़बक होगा, इसको लेके थोड़ी कोई वोट देने जाएगा। बात हुई है। अच्छा ठीक।